The Yamuna floodplains in India's capital is home to thousands of landless farmers. They grow vegetables and other crops in the floodplains. But the ownership of this land is claimed by the DDA, that is Delhi Development Authority. In December 2019, the local landowners or the landlords lost the case in Supreme Court for the continuation of their lease to the DDA. But even after losing the case, these landowners still charge the annual rent from the poor landless farmer. In the tussle between the court, the DDA and the farmers, this poor migrant labor is caught. Meena is a farmer and a resident of the Yamuna floodplain. मैं किसानी के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ. जिस पे हम लोग खेती कर रहे हैं ये DDA की ही ज़मीन है. जब से मैं होश संभाली हूँ 3 से 4 बार तो उन्होंने डेमोलिशन कर ही दिया है घरों पे, फसल पे किया था. और जो भी नुकसान होता है जो खेती करते हैं उन्हीं का होता है. और जैसे कि अगर मान के चलो वो सालाना पे लेके कर रहे हैं खेती, तो उनसे उससे कोई मतलब नहीं होता. उन्हें तो भैया साल में पैसा उन्हें देना ही देना होता है. ऐसा नहीं है कि मान के चलो नुकसान हो गया या हमें कोई बचाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है. हम जिस ज़मीन पे रह रहे हैं तो ये पहले लीज पे थी, तो लीज अभी तो समाप्त हो चुका है. और लेकिन जिसका लोकल कब्जा है तो अभी तो पैसा हम उन्हीं को जाते हैं. This is Ghuga Devi. She has been living and farming here for the last several decades. हमारे कोई नहीं है, खेत भी आते हैं तो कोई नहीं रोकता है कि मेरा खेत है, पैसा लेने के आप ले लेते हैं. जब तूने वाले आते तो कोई नहीं आते है, इतर तो भाई खेत वाला कि मेरा है खेत, यही तो करते हैं. कहते थे कि जाओ यहाँ से, क्या करें, गरीब आदमी ऐसे तो मरता है. When I questioned her, why don't you leave? She said, अब नहीं जाते हैं, जहाँ पेट भरेगा तो वहीं तो रहूँगा. Ghuga Devi is concerned about the impact of pollution and firecrackers on her crops. ये पोटेशन जो पड़का छोड़ता है तो उसका वो धुआं होते हैं, तो आदमी का यही सब पड़का वो फसल के नुकसान होते हैं. मेथी पालक जो लगाए आप देख लो, आप ये खराब हो गया कि नहीं देख लो, सब ये पड़का से सब ये नाश हो गया. Apart from pollution, the residents say flooding is also a major reason for the disruption of their livelihoods. The residents do not even use the water of the Yamuna for their crops. They say, शहर शहर से वो नाले का पानी आता है, फिर उसमें जाता है और इस इतना केमिकल होता है कि अगर वो फसल में जाएगा तो फसल ही को नष्ट कर देगा. हमारा जो खेतों में पानी का इस्तेमाल होता है वो बोरिंग करवाया गया है. देव is a resident of the locality, a teacher and a lawyer who understands the issues of his community. जब तक DDA क्लियर नहीं कर देती, अगर अपना लैंड क्लियर नहीं ले लेती, तब तक जो DDA की जमीन पे जो रेंट जा रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है. प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट वाला जिनका लैंड है वो तो ले रहे हैं, उसके फेवर में जिसका कब्जा है वो भी यही बोल रहा है कि मेरा लैंड है प्राइवेट है, बेशक उसने कंपनसेशन उठा रखा है. पर अब होता क्या है कि DDA जब डेमोलिशन करने के लिए आती है तो वो दोनों लैंड का करने के लिए आती है. प्राइवेट लैंड है वो तो अपना दस्तावेज दिखा के आ जाते हैं सामने कि आप इसको नहीं इवेक्ट कर सकते या जिसमें फसल नष्ट नहीं कर सकते, ये सब प्राइवेट लैंड. अब जो कम ऑलरेडी कंपनसेशन उठा चुके हैं जो फार्मर. आप जब फार्मर कहते हैं तो इसका मतलब आप प्रिसाइजली वो लैंड ओनर को कहते हो, राइट? कि वो तो ऑलरेडी कंपनसेशन आ चुके हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है. तो उन लोगों से जो रेंट पे जमीन लिया है, जिन लोगों ने पहले ही कंपनसेशन उठा लिया है, उसके बावजूद भी कुछ लैंडलेस फार्मर जो माइग्रेट होते हैं वो रेंट पे ज़मीन लेते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होता है क्योंकि पेमेंट जो देना होता है वन टाइम में देना होता है, एक साल में एक बार. तो फार्मर क्या करते हैं, वो अपना पेमेंट ले लेते हैं. जो लैंडलेस फार्मर है, जो लेबर टाइप के फार्मर है, वो जब DDA आएगा तोड़ने के लिए तो उसका फसल नष्ट होता है, क्योंकि प्रॉब्लम उसको होता है. अभी जैसे बाढ़ आया, बाढ़ में क्या हुआ कि सबका पेमेंट जमा था, कंटिन्यू 2 बार बाढ़ आ गया. दोनों बाढ़ में क्या हुआ कि जो लैंडलेस फार्मर था फसल उसका नष्ट हुआ. द फार्मर्स डोंट हैव टू मेनी ऑप्शंस बट टू पे देयर लैंडलॉर्ड्स बिकॉज़ दे फियर, नहीं देगा तो ऐसे कहेगा खेत छोड़ो दूसरा लेगा, कैसा होता अपना पेट भरना ही है.
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.